अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आपको यमुना ज़ैदी और उसामा ख़ान के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप यमुना ज़ैदी के फ़ैन्स हैं या फिर उसामा ख़ान के फ़ैन्स हैं तो ये वीडियो होने वाली है ख़ास आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताने लगे हैं कि उसामा ख़ान और यमुना ज़ैदी हमें कब किसी ड्रामा सीरियल में नज़र आएंगे। यमुना ज़ैदी पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा हैं। यमुना ज़ैदी का शुमार पाकिस्तान की टॉप 10 अदाकाराओं में होता है। यमुना ज़ैदी ने जो ड्रामे भी किए हैं वो सुपर हिट हुए हैं। यमुना ज़ैदी का ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल तेरे बिन हर जगह मशहूर हुआ था। तेरे बिन में यमुना ज़ैदी और वहाज अली की केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया गया था। यमुना ज़ैदी और वहाज अली के तेरे बिन गेम चेंजर साबित हुआ। यमुना ज़ैदी और वहाज अली के कपल को हर जगह शोहरत हासिल हुई, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया और इसके अलावा दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में भी यमुना ज़ैदी और वहाज अली के कपल को बेहद पसंद किया गया था। यमुना ज़ैदी ने एक डेब्यूट फिल्म की थी जो कि फ़ीचर फिल्म थी और सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई थी। उस फिल्म का नाम था नायाब, नाम याद रखना। यमुना ज़ैदी ने उसामा ख़ान के साथ ये फ़िल्म की थी और यमुना ज़ैदी और उसामा ख़ान ने इससे पहले कोई काम नहीं किया था। यमुना ज़ैदी और उसामा ख़ान हमें पहली मरतबा नायाब फिल्म में देखने को मिले थे। यमुना ज़ैदी और उसामा ख़ान ने जो फ़िल्म की वो सुपरहिट फिल्म हुई थी, अच्छा खासा बिजनेस किया था। अब आपको एक बात बताता चलूँ कि यमुना ज़ैदी और उसामा ख़ान की जो फ़िल्म थी नायाब, उस फिल्म को कैंस रेड फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया और पाकिस्तान में नुमाया कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया इस फिल्म को, और इस फिल्म ने अवार्ड जीता। क्यों जीता? क्योंकि इस फिल्म में यमुना ज़ैदी की जो परफॉर्मेंस थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हुई और इसे इंटरनेशनल लेवल पे इस फिल्म को रिकॉग्निशन मिली, जो कि प्राउड है यमुना ज़ैदी के लिए। अब यमुना ज़ैदी का ये अवार्ड हमारे दूसरे एक्टर्स के लिए भी प्राउड फील है, क्योंकि दूसरे एक्टर्स भी खुश हैं कि हमारी यमुना ज़ैदी को इस तरह का अवार्ड मिला, इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम हुआ। यमुना ज़ैदी की यह फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज हो चुकी है। यमुना ज़ैदी अब टॉप ऑफ द वन एक्टर बन चुकी हैं। यमुना ज़ैदी और उसामा ख़ान की जोड़ी भी अब बेहद मशहूर होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के अवार्ड जीतने के बाद लोग चाहेंगे कि यमुना ज़ैदी और उसामा ख़ान को हम किसी और प्रोजेक्ट में देखें। यमुना ज़ैदी की इस अचीवमेंट पर पाकिस्तान की टॉप अदाकारा आयज़ा ख़ान ने प्राउड फील किया है और कमेंट में लिखा है कि प्राउड ऑफ़ यू। आयज़ा ख़ान की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आयज़ा ख़ान कभी किसी चीज़ पर अपने अंदर कोई गुरूर, कोई तकब्बुर नहीं रखती, बल्कि अपने दूसरे को, एक्टर्स को, स्टार्स को इज्जत देती हैं। यही बात आयज़ा ख़ान की मुझे पसंद है। आयज़ा ख़ान के अलावा ज़ारा नूर अब्बास ने भी यमुना ज़ैदी की इस अचीवमेंट पर कंग्रेचुलेशंस लिखा। अब यमुना ज़ैदी होने वाले बहुत ज़्यादा हिट, क्योंकि यमुना ज़ैदी और उसामा ख़ान की फ़िल्म को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिल चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यमुना ज़ैदी और उसामा ख़ान हमें किसी प्रोजेक्ट में नज़र आएँ, और वो प्रोजेक्ट होना चाहिए स्मॉल टीवी स्क्रीन के लिए, यानी कि ड्रामा होना चाहिए, और ड्रामा सीरियल या तो जियो टीवी के लिए हो या फिर एयरवे डिजिटल के लिए। मैं चाहता हूँ कि यमुना ज़ैदी और उसामा ख़ान हमें किसी लव स्टोरी ड्रामा सीरियल में नज़र आएँ, जो कि जियो टीवी के लिए होना चाहिए। और कमेंट्स में आपने मुझे ये बताना है कि आप यमुना ज़ैदी और उसामा ख़ान को एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं, और किस ड्रामा सीरियल में देखना चाहते हैं, किस चैनल के लिए, जियो के लिए, एयरवे डिजिटल के लिए या हम टीवी के लिए, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।